हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपके ज़िंदगी में कुछ चाहिए, तो आपको पहले ये उसका निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको वो चाहिए करके, मतलब मन में पक्का पहले ठान लेना पड़ेगा कि मुझे चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ चाहिए, पक्का रखना पड़ेगा मन में। होता क्या है कि हमको क्या चाहिए हमको पूरा मालूम ही नहीं रहता। नहीं, यदि आपको पक्का मालूम है कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में, तो फिर वो चाहत के लिए फिर आप एक्शन ले सकते हो, कृति कर सकते हो। जब आप बच्चे थे तो आपको जो चाहिए वो आप कुछ ना कुछ करके मिला ही लेते थे। जैसा भूख लगी है तो चिल्ला चीख के फिर दूध मिल जाता था आपको, या चिल्ला के आपको खाना मिल जाता था, खाना खिलाती थी माँ आपको। कपड़े पहनना है तो जो चीज़, जो कपड़े चाहिए वो आप कपड़े मांगते थे, आपको मिल जाता था। जो आपको चाहिए एज ए बच्चा, एज ए छोटा बच्चा, जो जो चाहिए वो आप कुछ ना कुछ करके वो आप हासिल करते थे या माँ बाप से लेते थे। आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, जो भी, वहाँ आपको ऐसा नहीं था कि मैं मांगू कि नहीं मांगू, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको कोई इनहिबिशन नहीं था, आप खुल के मांगते थे और वो मिला देते थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसे जैसे बच्चा बड़े हो जाता, मतलब बड़ा हो जाता है, वैसा वैसा उसके ऊपर फिर माँ बाप एक बाहर से प्रेशर डालते हैं, संस्कार करते रहते हैं कि भाई अरे यहाँ से कूद नहीं मारना चाहिए, गेस्ट अपने घर में मेहमान आया तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए, फिर उसको हाथ लगाने का नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो, फिर थाली में खाना छोड़ने का नहीं है, आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा तभी भी खाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। तो मतलब बाहर से काफ़ी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जैसा कोई गेस्ट आते तो उनके उनके सामने जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, उनके सामने एकदम गुड बाय करके रहना चाहिए, वो आ गए तो उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, पैर छूना, ऐसा करना चाहिए। मतलब ऐसा बाहर से आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको प्रेशराइज किया गया, आपको सिखाया गया, संस्कार डाले गए। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें बाहर से आपके ऊपर डाली गई। उसके साथ साथ फिर ये भी आपको बाहर से बातें सुनाई गई कि सिर्फ खुद का विचार मत किया करो, लोगों का विचार भी किया करो, या ऐसा आपने बिहेव करना अच्छा नहीं है, पैसे क्या झाड़ के ऊपर उगते हैं क्या, आप बहुत ही सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपना ही विचार करते हो, लोगों का भी विचार करना चाहिए, आप लोगों के लिए कुछ तो भी मतलब छोड़ो, बाकी सबका देखो कि उनको सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मतलब आपको काफ़ी सारी बातें ऐसी बताई गई कि भाई जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वहाँ से आपका व्यक्तिमत्व बनता गया। तो फिर बच्चों को ऐसा नहीं रहता है कि उसका सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा होता ही नहीं बच्चों को। समझो, आप बच्चों को पूछो कि तुझे क्या बनने का है, बोलता पुलिस ऑफिसर बनने का है, या उसको बोला कि तुमको क्या बनने का है आगे जाओ, बोला पायलट बनने का है, या कोई किसको पूछो तेरे को आगे चल के क्या करने का है, बोलता पंतप्रधान बनने का है, मोदी बनने का है, मतलब इस तरह का कुछ भी बोलता है वो। और उसको ऐसा लगता है ना कि ये संभव है कि नहीं है, कि लोग क्या बोलेंगे, ये हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जैसे जैसे दिन जाते रहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होते रहता है, वैसे वैसे लोगों को क्या चाहिए वैसा हम बनते रहते हैं। लोगों को क्या चाहिए, जैसा डैडी को ये चाहिए कि लड़का डॉक्टर बनना चाहिए इसलिए आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ा, आपके मदर को चाहिए कि घर में काम करने वाली बहू जल्दी आना चाहिए इसलिए वो आपको शादी करनी पड़ी, या आपको आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मगर आर्ट का इंटरेस्ट आपको छोड़ के आपको एक जॉब लेना पड़ा क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लिया। तो जो भी मतलब आपने क्या किया है कि लोगों को क्या, आपके आजू बाजू वाले लोगों को क्या चाहिए वैसा वैसा आप करते गए, और वो हिसाब से फिर आपका जीवन आप बिताते गए। आपको ये नहीं पता कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो तो उसमें दबी गए। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आपको चाहिए क्या, और आपको जो चाहिए वो यदि आपने डिसाइड किया, वह आपने निर्णय लिया, पक्का कर लिया,
और फिर वो वहाँ मतलब वो सामने रख के उसका उसका फोकस सामने रख के वो यदि काम करना चालू कर दिया, उसके ऊपर पूरा फोकस किया, उसके ऊपर पूरा अटेंशन, लक्ष्य पूरा उसके ऊपर केंद्रित कर लिया, तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी आज से आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए वो ज़िंदगी छोड़ना पड़ेगा, लोगों को आपसे क्या चाहिए वो छोड़ना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए अपने बारे में वो आपको सोच के, वो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपकी आत्म अभिव्यक्ति है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको फुल्ली बाहर लाना है, और आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए वैसी ज़िंदगी आपने जीना है। तो आज से 5 साल का गोल पक्का करो, आपको क्या चाहिए वो लिखो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे को ज़िंदगी में ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा पूरा लिखो, कम से कम 100 आइटम उसमें लिखो कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको चाहिए क्या, और उसके ऊपर फोकस करके एक 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 हासिल करो, उसमें लाइफ जीने में मजा आएगा। आपके काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको मालूम ही नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, ये वो सब दब दब के जीवन जी रहे। आसपास के बीबी को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, पिताजी को क्या चाहिए, लड़के को चाहिए, वैसा ज़िंदगी जी रहे, और खुद का जीवन पूरा उसमें दब गया है। उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालो, फेसबुक के ऊपर डालो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।